डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबको जय शु। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन और मेरी माँ? जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वे ही हैं मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ। अन्य स्थान में प्रभु बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं वे ही हैं मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन। आज मैं आपको दो प्रकार के परिवारों के विषय में बताना चाहता हूँ। एक तो है हमारा परिवार जहाँ हमने जन्म लिया है, उस परिवार में पति और पत्नी शारीरिक संबंध के द्वारा संतान प्राप्ति करते हैं, और जब पत्नी गर्भवती होती है तो वो अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को धारण करके रखती है। बेहद तकलीफ का सामना करके जब बच्चा पैदा होता है मेरे मित्रों, तो मम्मी उसे गले से लगाती है और कहती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खून है, मेरा हाड़ और मेरा मांस है, ऐसा वह कहती है। ठीक उसी समय यदि कोई व्यक्ति आकर उस बच्चे को उसके गोद से उठा ले और किसी अन्य महिला के बच्चे को उसके गोद में रखते, माँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? माँ चिल्लाएगी, चीखेगी और कहेगी, ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा मेरा है, मेरे गर्भ में पला है, मेरा खून है, मेरा हाड़ और मेरा मांस है, ऐसा वह कहेगी। बच्चे उसी परिवार में जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ पिता को पहचानने लगते हैं और कहते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पप्पा है, मेरे पिता है, ये हमारा खून है। बच्चे उसी प्रकार एक दूसरे को भी पहचानने लगते हैं और कहते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये हमारा खून है, खून के रिश्तेदार हैं ये, ऐसा कहते हैं। ये तो रहा हमारा एक परिवार, लेकिन हमारा एक दूसरा परिवार भी है जो सच्चा परिवार है और जो ईश्वर का आध्यात्मिक परिवार है मेरे मित्रों, जो बहुत बड़ा है। उस परिवार में इस तरह के नियम लागू नहीं होते, इस तरह के खून के रिश्ते का कोई मायना ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि वहां खून से कोई नहीं बनता, खून से कोई नहीं जुड़ता। खुद ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने खून से किसी को नहीं बनाया, ईश्वर ने अपने वचन से संसार की सृष्टि की। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। जब ईश्वर ने कहा अंधकार हो जाए, अंधकार हो गया। जब ईश्वर ने चाहा कि धरती और पानी अलग अलग हो जाए, उसके ईश्वर के वचन से ही वे अलग अलग हो गए। क्या ईश्वर ने खून से उन्हें बनाया? बिल्कुल भी नहीं, अपने वचन से बनाया। और ईश्वर को किसी पत्नी की जरूरत नहीं, किसी पति की जरूरत नहीं संसार को बढ़ाने और उसे फैलाने के लिए। अरे ईश्वर ने तो अपने हाथों से मिट्टी सान कर उसे फूंक कर उसमें जान डाल दिया। मात्र एक चीज ही है जो हमें इस परिवार से जोड़ सकती है। इस परिवार से तो हम खून से जुड़े हैं, लेकिन उस परिवार से जुड़ने के लिए हमें उसे जुड़ना होगा जिसके द्वारा उसने हमारी सृष्टि की, और वो है ईश्वर का वचन। मेरे मित्रों, संसार की सृष्टि खुद ईश्वर ने वचन के द्वारा की। उसी वचन के आवाहन से वह हमें उस बड़े परिवार से जुड़ने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु खुद जानते थे, उन्हें खुद एहसास हुआ, जब हम भोजन करते हैं भोजन से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है और हमारा खून बढ़ता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरा भोजन ये नहीं, मेरा भोजन है ईश्वर की इच्छा पूरी करना। उसी से मुझे शक्ति मिलती है, उसी से मुझे तंदुरुस्ती मिलती है, और यही है हमारे खून से भी बढ़कर, हमारी आत्मा से भी बढ़कर, हमारे शरीर से भी बढ़कर यह रिश्ता कायम करता है, और यही मुझे उस ईश्वर से जोड़ता है जिसने मेरी सृष्टि की। सबों को जय श्री।